अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जो स्टीम आयरन ली है ना, उसका रिव्यू हमारे साथ शेयर कर दें। तो मैंने सोचा कि आज उसी की अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ में मैं भी यूज़ करती हूँ। जो उसका डिटेल्ड रिव्यू होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ एयर फ्रायर का रिव्यू शेयर किया था, यकीन करें कि वर्थ इट चीज़ है। मतलब मज़ा आ जाए आप जब लेंगे ना और आप उसे यूज़ करेंगे। तो रमज़ान शरीफ में तो स्पेशली ज़रूर लें, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनका नहीं भी है वो भी ज़रूर एयर फ्रायर जो है वो यूज़ करें। आज मैंने कहा कि क्यों ना ब्लॉगिंग से हट के ना कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव जो है वो आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आऊँ। तो आप लोग ने वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अच्छा जी, ये है कैनवुड के अंदर गारमेंट स्टीमर, ठीक है। ये मैंने अलफतेह से ली थी। अलफतेह की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं बहुत बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें ना कि ज़बरदस्त होती हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। अभी इसको हम करते हैं सबसे पहले अनबॉक्स। मेरा दिल है कि ये वाले जो कर्टन्स हैं इनको मैंने भी करना था स्टीम आयरन, ये मैं आपके साथ करूँगी। कोई फैंसी सूट भी आपको करके दिखाऊँगी कि इसको लेना चाहिए या नहीं। पकड़े, ओपन करने में आपको ये इस तरह का एक जो है वो रॉड सा मिल जाएगा, साथ में सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं, गाइड बुक भी है साथ में, ठीक है जी। और साथ में ग्लव है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं यार, मुझे पता ही नहीं सी। अरे जब आप कोई चीज़ लेके रखते हो, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग भी भूल जाते हो कि हमने ये चीज़ें लेके रखी थी। हाँ माशाल्लाह, उठाए। साथ में ये है, इसका हैंगर है जी, साथ में ये ब्रश भी हैं, इस तरह की काफ़ी एक्सेसरीज हैं। अभी हम इसको करते हैं असेंबल। ये इस तरह इसका है, साइज के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। आपने इस तरह ओपन कर लेना है, जैसे ट्राइपॉड नहीं होता है ना, बिल्कुल उस तरह का ही है ये। ये देखें जी, इधर सारी ये इन्होंने पिक्स बनाई हुई हैं, कैसे ऐसे करना जी। ये हो गया इसका हैंगर। नहीं मामा, अपनी साइज लड़ाते हुए इस हमजा को पिटाई भी कर सकते हो आप भी ले सकते हो। स्टीम क्वालिटी बहुत अच्छी है, कैनवुड की ना क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इसकी क्या प्राइस है, उस टाइम तकरीबन 17-18 की रेंज में ली थी, अब मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। यार सुबह सो के उठते हैं महंगाई नहीं होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता। और इन्होंने पैकिंग इतनी माशाल्लाह लेवल की हुई है ना, ये देखो, शुक्र है मैंने नेल बनाए हैं ना। तो अब इसको हम रखेंगे किधर, मेरे कमरे में, ताकि वो दूसरे दिन टूटी हुई हो। तुमने अपने जूते इस्तरी करने हैं? हाँ। फिर तुमने अपनी बेडशीट आयरन करनी है? वो बेडशीट तो करनी होती है ना। इसके अंदर आपने यहाँ से इसके अंदर पानी डाल के तो इसको फिर आगे से लॉक कर देना। पानी दो, पानी जाओ ले। ये पीने वाला पानी जो है ये यहीं पर माशाल्लाह ला कर देती है। वैसे हमारा टैप वाटर भी बहुत अच्छा है। अच्छा फैंसी इसके साथ है, और मैंने स्पेशल ये जो लिया है ना, ये मैंने सिर्फ फैंसी के लिए लिए हैं या बेड शीट्स के लिए। जिस तरह बेड शीट्स कॉटन की बिछा लेते हैं वो फिर इतनी उसके ऊपर सिलवटें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, तो आप चाहें तो इसे उसके साथ भी कर सकते हो। ये सिंपल। तो ये चीज़ें किसके लिए हैं? ये ब्रश, ये ऊपर वो कुछ शायद उसके लिए कोट वगैरह के लिए होगा। अच्छा जी, इसकी जो गारंटी है वो है जी तकरीबन 2 ईयर्स की। इधर बबलिंग हो रही है। अच्छा, ये ना पेंट के लिए है, ठीक है, कि अगर आपने जब भी पेंट्स वगैरह अपनी आयरन करनी हो तो इसके ऊपर ये जो है वो लगा लें। इससे ये होगा कि पेंट के ऊपर जितनी भी लिंट वगैरह होती है वो भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको करने लगे ऑन। वैसे हमने इसको सैम्पल जो है वो सारा कर दिया है स्विच के साथ। आपके पास जहाँ पर भी हो थोड़ा सा, मतलब जहाँ पर बिजली का है स्विच, आप उसी के पास रख लेंगे। आप बोर्ड भी लगा सकते हो, आगे थ्री शू लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इनका जो प्लग है वो काफ़ी अच्छे वाला ही है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक हो गया, अब साइड से उसका बटन ऑन करना, ये यहाँ से पीछे से। अच्छा जी, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। पानी जैसे ही गर्म हो गया इसने स्टीम बनानी शुरू कर दी है। 2 मिनट्स आपने बस वेट करना। तो अभी हम कर्टन्स करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका दिखा देती हूँ कि कर्टन इसने कैसे किए हैं। आपने शायद कोई क्रीज डालनी हो तो वो भी डाल जाती है, लेकिन अभी हम इससे क्रीजें निकालते हैं ना। आप ये देखते जाओ, पाइप यार ज़बरदस्त है, ये तो जान का सुख है भाई। फिरते जाएं, बस इसके आपने गर्म होने का वेट करना है, और आप देखते जाएं, स्ट्रेच करें आप इसे। देखो ये जो है ये नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे सिलवटें हैं और जो हमने की है वहाँ पे भी आप फर्क देख सकते हो। आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो आप ये इस्त्री ले लें, आपकी बोर भी खत्म। जी मैं मजाक कर रही हूँ, ये देखें यहाँ से मैंने इस तरह की है, और वो ऊपर से नीचे से आप फर्क जो है वो वाजे आप लोग देख सकते हो। ये जिस तरह पुरुषा ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है भाई, वर्थ इट है भाई, लेने वाली चीज़ है।
क्योंकि कर्टन्स वगैरह इतने ज़्यादा जो हैं वो ड्राई क्लीनिंग वाले आपसे पैसे ले लेते हैं, आप इसके साथ कोट हर चीज़ जो है वो आप आयरन कर सकते हो, स्पेशली फैंसी कपड़े जिनका आपने स्टीम आयरन इतना ज़्यादा करवाना होता है। और जी मामा चली गई हैं, स्टीम आयरन जी मेरे हाथों में आ गई है। जी जी आ जाओ चलो। अच्छा जी ये शर्ट है, ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि फैंसी के लिए स्पेशली ये जो स्टीम आयरन है किसी नेमत से कम नहीं होती, तो अभी हम इसको करेंगे फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वर्थ इट है या नहीं। आप सही उड़ रही है जी आज तो, ये देखो स्पेशली ये मोटिव्स का, मैं इतना डरती थी दूसरी आयरन के साथ कि कहीं मेरी शर्ट के ना मोटिव्स ही ना ख़राब हो जाए। ऐसा ही है, इसको आपने इस आयरन को एज अ स्टीम वो आयरन स्टैंड के ऊपर रख के वो लंबा लटा के वो वाला यूज़ नहीं करना, इसको आपने हैंग करके इसी तरह से ही यूज़ करना है, ठीक है जी। ये देखिए कपड़े में ऐसी चमक आ रही है ना और जान आ रही है एकदम से। कपड़े अपना यूनिफॉर्म भी ले आओ। नहीं इतनी ना तुम फ्री हो, ये स्टीम मैंने ज़्यादा स्पेशली कपड़ों के लिए ली थी, ठीक है। तो मेरे यूनिफॉर्म भी कपड़े हैं। अब आप देखो कोट्स के लिए किस कदर ये रीजनेबल है, हम जाते हैं उसके पास कोट्स करवाने के लिए, वेस्ट कोट करवाने के लिए कितने हम पैसे दे देते हैं, जिस तरह हमारे जेंट्स हैं लेडीज़ कितने कोट्स होते हैं पैंट्स के लिए, तो आप हर तरह का कपड़ा इस पर आयरन कर सकते हो। आपने इसकी पहले भी कंडीशन देखी थी, अभी भी चाहे वो ऑर्गेन्जा का सूट हो, चाहे वो ऑर्गेन्जा का हो स्पेशली, और ये ऑर्गेन्जा ही है, यहाँ से भी मैं आपको करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ठीक है। सारे इस तरह जब होते हैं ना तो फिर आपकी स्टिचिंग भी बड़ी नाइस और बड़ी फाइन सी लगती है। तो ये देखेंगे यहाँ से स्लीव है, जो इतने आपने धोबियों को देने होते हैं ना पैसे, उसे अच्छा है एक ऑटोमेटिक मशीन लें और साथ में स्टीम आयरन ले लें। मैं इतना होता था कि मैं अपने खुद ही जो स्पेशली मेरे फैंसी सूट्स थे ना मैं खुद ही आयरन करती थी, अब ये मुझे बड़ा मज़े का हो गया। बेशक बंदा तैयार भी हो जाए ना आराम से बंदा बैठ के इस चीज़ को ना कर ले। आप इसे वेलवेट भी कर सकते हैं, फैंसी ड्रेसेस भी कर सकते हैं, और कॉटन भी मैं कर रही हूँ। मैंने कहा चले आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि जितनी आपकी बेड शीट्स हों आप इसे भी कर सकते हो, मतलब अच्छी खासी जो है कॉटन के ऊपर ये थोड़ी सी, यानी कि मुझे थोड़ा सा कम लगा है इसकी परफॉर्मेंस के वेलवेट फैंसी ड्रेसेस के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि कॉटन के ऊपर मुझे लगा है उसे ज़रा यहाँ से स्ट्रेच करो ना कि आप इसकी थोड़ी सा यानी कि परफॉर्मेंस इसकी स्लो है। और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, अगर हेल्पफुल रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, फैंसी सूट्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, फैंसी सबसे अच्छे सूट करती है, उसके बाद कर्टन्स के लिए नंबर 2 पे है और कॉटन थोड़ी सी स्लो है, लेकिन अगर आपने बेडशीट करनी है उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं कहूँ कि आप कॉटन के कपड़े भी कर सकते हो तो वो बात मैं नहीं मानूंगी, अगर कोई कहेगा भी तो उसके लिए आप बाय कर सकते हैं, काफ़ी कंपनीज के अंदर हैं, लेकिन अच्छी किसी कंपनी की लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आप थोड़ा सा अगर कंप्रोमाइज़ कर जाए ना प्राइस के ऊपर, फिर आप थोड़े से लोकल कंपनी में चले जाते हो तो वो एक साल के बाद वो फिर ज़ाहिर है ख़राब हो जाती है, वो भी आपके पैसे ज़ाया होते हैं। जहाँ पे आपने 16,000 या 18,000 लगा के उसे ज़ाया करना है, तो आप 20,000 लगा के अपने पूरे पैसों को आप सेव कर लें, तो इतने से मार्जिन के साथ बिल्कुल चीज़ को जो वो है ना किया करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा मेरे माइंड में था कि मैंने फिलिप्स की लिया, लेकिन मैंने आज देखा तो वो कैनवुड की थी, तो आप लोग भी कैनवुड की चीज़ें बाय किया करें, इनकी वाकई बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि मेरे पास चॉपर जो है वो भी कैनवुड के हैं, उसके बाद जो मेरे पास जूसर है वो भी मैंने कैनवुड का लिया था, और इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, मतलब काफ़ी अरसा जो है वो चल जाती हैं, तो आप लोग भी जाके बाय कर सकते हैं। हाँ इनकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन सालों 10-15 साल तो इनकी चीज़ नहीं जाती, मेरे से नहीं गई, अगर आप एहतियात से यूज़ करें, पानी से सफाई का उसका ख्याल रखें। अच्छा जब आप मशीन जब भी यूज़ किया करें, जितनी भी मशीनरी है चॉपर वगैरह, उसे फिर ड्राई करके तो आप उसे अच्छी तरह तब संभाल दिया करें कैबिनेट के अंदर ना, अगर आप उसे ड्राई नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर आपकी जो चीज़ है वो डैमेज हो जाती है, स्पेशली मशीनरी के अंदर मेटल होता है और उसको पता है जंग लग जाता है, या जिस तरह भी वो चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी ज़ाया हो जाती है। जहाँ पे आप इतने पैसे लगा लेते हैं वहाँ पे आप थोड़ी सी अक्ल लगा के ना तो वो चीज़ को बचा भी लिया करें। इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।